कल हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आज हम लोग जिसके दूसरे चैप्टर की बात करते हैं, और मैंने बोला था कि जो बच्चे नहीं आ रहे उससे कहो डेली आए, और आज के में तो खास कर क्योंकि अभी जो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसी बोलते हैं, और इस अल्टरनेटिंग करंट जो मेरा चैप्टर है, इस चैप्टर से आप मानो कम से कम 2+ क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे नीट के पेपर में, 50 में से 2+ क्वेश्चन रहते हैं, रहते ही रहते। और बहुत सरल चैप्टर है, बहुत सरल है, बस खाली इसमें हल्का सा समझने की देर है। और दूसरी जो मेन बात ये है कि इस चैप्टर में डेरिवेशन मैं कराऊंगा, लेकिन तुम डेरिवेशन से दूर दूर तक कोई मतलब मत रखना किसी प्रकार का, ठीक है? क्योंकि डेरिवेशन मैं जरूर यहाँ पर कराऊंगा, लेकिन तुम्हें डेरिवेशन से मतलब नहीं, ठीक? सिर्फ तुम्हें फार्मूला से मतलब है, और फार्मूला में यही की यही क्लास में ही तुम लोगों को याद कराऊंगा, उसकी दिक्कत नहीं। देखो, हम लोगों ने अब तक जितना पढ़ा फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, और हमने बहुत सारा एडी करंट कल पढ़ा था, कल एडी करंट पढ़ा था, ठीक है? उससे पहले हमने मैग्नेटिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट की, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट के बाद में सिर्फ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रह जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बाद में ऑप्टिक्स, देन मॉडर्न, फिर इतनी बची है। और बचत की बात मानो अभी हम लोग करीब लेक्चर बचे हैं 60+। अब मेरे ये समझ में नहीं आ रहा महीने कितने बचे हैं, 3 तो बचे हैं, 3 महीने में ये लेक्चर देंगे तो देंगे कैसे, ये है। तो इसीलिए लेकिन आप लोगों का कोर्स अच्छा चल रहा है, कोर्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हम लोग बात करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखो, दो टाइप के करंट होते हैं, एक होता है हमारा डीसी करंट और एक होता है हमारा एसी करंट, ठीक है? अगर हम डीसी करंट की बात करें, वो करंट जो हमें बैटरी से मिलता है उसे हम बोलते हैं डीसी करंट, या वह करंट जिससे वह धारा, करंट मतलब धारा, वह धारा जिससे कि हमें करंट ना लगे उसे हम बोलते हैं डीसी करंट। जैसे अगर मैं कहूँ बैटरी, बैटरी होती है हमारी, बैटरी को हम लोग छू लेते हैं, बैटरी के तार को भी छू लेते हैं, लेकिन हमें करंट नहीं लगता, ठीक है? अब तो जो मोबाइल की बैटरी आ रही है वो निकल ही नहीं सकती। पहले क्या होता था, बैटरी नहीं चलती थी तो पहले निकालते थे बैटरी से, फिर उसे जीप पे रखते थे, फिर जीप पे जाकर टेस्ट करते थे कि ये चार्ज है कि नहीं, उसके बाद में फिर लगाते थे, है ना? नोकिया 1100 कुछ फोन होते थे उसमें ये लगते थे। तो वो सब हम जो बात कर रहे थे वो सब होते थे डीसी करंट, ठीक? एक सिंपल प्रॉपर्टी है डीसी करंट की और एसी करंट की, ये है एसी करंट जो होता है वो किसी भी कंडक्टर को, अगर कोई भी बंदा एसी करंट से चिपकता है, तुमने देखा होगा बहुत से, तुमने एक्सीडेंट देखे होंगे, ठीक है? सुने होंगे, अगर देखे नहीं है सुने होंगे या मोबाइल पे देखे होंगे, तुमने कुछ एक्सीडेंट ऐसे देखे होंगे कि तार को पकड़ लिया, या तार ने करंट को, आदमी ने करंट को पकड़ लिया, फिर कुछ चिपक गया और मर गया। 11,000 की वोल्टेज तुमने देखे होंगे, ठीक है? 11,000 वोल्टेज से चिपक के आदमी मरता है, और इन 200 यहाँ पर कितना आता है, 220 वोल्टेज, ठीक है? 220 वोल्टेज आता है, तो 220 वोल्टेज को हम लोग टच करते हैं तो झटका लगता है बस हमारे घर, ठीक है? तो इसमें इंसान की मरता होता नहीं है खाली, बस उसके बालून खड़े हो जाते हैं सारे, हल्का सा एकदम चेतना सी आ जाती है, ये रहता है। तो जो डीसी करंट है वो क्या करता है, डीसी करंट रिपेल करता है, यानी कि दूर के लिए भागता है। एसी करंट होता है वो चिपकाता है। एक दो बताओ, किसी भी बंदे को जब करंट लगता है तो वो बंदा नहीं चाहेगा कि मैं इससे दूर हटूं, चाहेगा दूर हटूं, लेकिन वो करंट जो होगा वो उसे चिपका रखता है, अपनी ओर फोर्स लगाता है, अपनी ओर लगाएगा फोर्स, जिस अब वो करंट अपनी ओर फोर्स लगा रहा है। अब बंदा दूसरी तरफ फोर्स लगाए उतनी उसमें जान ही नहीं होती है, ठीक है? जब करंट लग जाता है तो बस उसे ये देखता है ऐसी तरफ, पता ही नहीं चलता कब तक गया, ठीक है? तो और डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट होता है तो वो दूर की ओर भागता है। एक चीज और है, हम लोगों के अगर जैसे अभी हम लोग यहाँ पर अपना मोबाइल चार्जर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा करंट आ रहा है, एसी, ठीक है? एसी करंट आ रहा है, हमने मोबाइल चार्ज लगाया, अब वो करंट किसमें आ रहा है, पिन में, पिन आते ही मोबाइल की सबसे लास्ट में जो पिन होती है जिसमें हम लोग कनेक्ट करते हैं मोबाइल से, उसको तुम छू भी लेते हो, ठीक है? कुछ भी कर लो, तुम्हें करंट ही नहीं लगता है, नहीं लगता ना करंट, क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा जो चार्जर है, चार्जर का एडेप्टर जिसे बोलते हैं हम लोग, एडेप्टर है, वो एडेप्टर क्या करता है, एसी को किसमें
कन्वर्ट करता है डीसी में, ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए तुम्हारी पिन से तुम्हें करंट नहीं लगता। अगर वो एसी से एसी में ही रही तो सबके पिनों से चार्जर से करंट लगे, और करंट लगे तो हम लोग तो मोबाइल तो फिर चार्ज हो गया हमसे, ठीक है, हाँ ये दिक्कत होती है, तो उस सब की बात होती है। अब हम लोग अगर बात करें अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर, दो टाइप के करंट है, एक होता है डीसी करंट, डीसी करंट को हम लोग बोलते हैं सर डायरेक्ट करंट, और एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, एक है तुम्हारा अल्टरनेटिंग करंट। देखना अल्टरनेटिंग करंट को बोलेंगे एसी, दोनों में ये चीजें हैं, अगर एक तरफ मैंने करंट लिया और एक तरफ मैंने टाइम लिया, ठीक है, एक तरफ करंट ले रहा है एक तरफ पर टाइम ले रहा है, और एक तरफ यहां पर भी करंट ले रहे हैं और एक तरफ यहां पर भी हम लोग टाइम ले रहे हैं। सर अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूंगा, डायरेक्ट करंट में ये करंट कभी भी चेंज नहीं होगा, ये जो करंट है वही रहेगा, जो करंट है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, ये करंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव, एक हाफ में पॉजिटिव तो सेकेंड हाफ में नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। दूसरी चीज ये है सर, डायरेक्ट करंट को जो हम प्रदर्शित करते हैं, जो हम डिनोट करते हैं, ठीक है, वो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये हमारी बैटरी है, ठीक है, ऐसे इस बैटरी से जो भी करंट निकलता था वो सब क्या निकलता था, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम लोग प्रदर्शित करने की बात करें तो इससे जो करंट होता है उसको हम लोग इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, इस टाइप से चाहे इस टाइप से कैसे भी डिनोट करते हैं, इसे हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को। ये कौन सा करंट है, एसी करंट। देखो जितने भी मैंने इसके पहले सर्किट बनाए थे सारे के सारे सर्किट में लास्ट में ऐसे बैटरी हो जाता था, मैं कहता था ये क्या है बैटरी, और बैटरी तुम्हें पता है कौन सा करंट देती है, डीसी करंट। तो जितनी भी बात हमने करी थी उन सब में डीसी करंट की बात करी थी, जहां पर जो करंट होता था वो चेंज नहीं होता, तभी तो सर करंट चेंज नहीं होता था, तभी तो मैं तुमसे कहता था कि कोई रेजिस्टेंस यहाँ पर है, यहाँ पर करंट कितना रह रहा है आई, क्या मैं हमेशा ही आई लेता था, हमेशा ही लेता था, हमेशा क्या लेता था आई। अब तुम कहोगे सर कल तुम आप दो तो डिके पर आ गए, वहां पर भी आपने बैटरी लगाई थी, तो वो बहुत कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए, ठीक है, उसको हम लोग अभी नगर में मान लें। तो मैंने यहाँ पर देखो जो भी करंट बह रहा था वो करंट चेंज नहीं हो रहा था, मैंने जितनी भी बातें इससे पहले करी है सारी की सारी बातें डीसी करंट को लेके करी थी, जहां पर तुम्हारा करंट चेंज नहीं होता था। लेकिन अगर मैं एसी करंट की बात करूं, यहां पर हर समय देखो, जैसे ही टाइम यहां गया करंट कुछ और, यहां पर आए यहां पर समय आया करंट कुछ और, यहां करंट कुछ और, यहां कर मतलब करंट देखो हर पॉइंट पर करंट क्या हो रहा है तुम्हारा चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे करंट चेंज हो रहा है। तो ये इसमें होता है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। ये दोनों फिगर बनाओ उसके बाद में इसमें और बताऊं। आज धूप निकल आई, कल बहुत ठंड थी, क्यों आज धूप निकल आई, कल परसों की छुट्टी है, किस चीज की छुट्टी है, हजरत अली जन्मदिवस है, ईश्वर नहीं आएंगे, उसकी बहन रितिका सबकी दावत करेंगे। अरे ईश्वर आई तो है, बैठी है, अरे आप पीछे कैसे जबरदस्ती बैठा ली उन्होंने, बताओ। अच्छा मैं समझा, घर की कोई चुगली करनी होगी है ना, घर की कोई बात कि तुम्हारे बारे में थप्पो ये बोल रही थी, और कौन थी खाला ने ये बोला था है ना, चुगली में करना बेटा बिल्कुल भी। तो कल उर्स भी लगा होगा कि नहीं, कुछ ना कहीं तबुर नहीं है यार, उस लगा ही लगा कुछ पता ही नहीं लगता, अब तो भी पता नहीं लगता कि पढ़ाई नहीं करते हो, हालत तो ये है कि पढ़ाई नहीं भी करते हो और बाहरी नॉलेज भी नहीं है, ठीक है।
अब देखो देखो जो मैथमेटिक्स का मैं तुम्हें थोड़ा फंडा बता रहा हूँ आपके लिए, मैथमेटिक्स में देखो मैथमेटिक्स में ये होता है, अगर मुझे कहीं साइन की देखो दो दो वेव है जो तुम्हें याद रखनी है, साइन और कॉस, टेन से तुम्हें मतलब नहीं है, कॉट से तुम्हें मतलब नहीं है, सेक कॉसेक से तुम्हें मतलब नहीं है, वो मैथमेटिक्स वाले हमारा नीट का जितना काम है हम सब उतना पढ़ेंगे, फालतू के हमें मतलब नहीं है। तो सर साइन की अगर मैं वेव की बात करूं तो साइन की वेव हमेशा यहां से स्टार्ट होगी और ऐसे चलती है, साइन की जो भी वेव होगी साइन की, ठीक है, साइन की वेव यहां से स्टार्ट होगी और ऐसे चलेगी, ठीक है। अब मैं दूसरी पॉइंट अगर मैं कॉस के लिए बोलूं, इसीलिए कॉस की जो वेव होती है कॉस की वेव इधर आई और इधर टी, कॉस की वेव हमेशा यहां से स्टार्ट होगी और ऐसे चलेगी, ये कहां से स्टार्ट होती है कॉस की, यहां से जो तुम्हें ये पीक दिख रही है यहां पर जो ये करंट होता है वो कितना होता है आई, जो पीक दिख रही है ये करंट आई और ये भी करंट आई नॉट होता है, ये यहां पर भी अगर जो मुझे पीक दिख रही है ये भी करंट मेरा आई नॉट और यहां पर जो ये पीक दिख रही है यहां भी करंट आई। अगर मैं इसे लिखूंगा तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा, इस इक्वेशन को लिखूंगा आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा। अब सर पल्ले नहीं पड़ रहा है तुम कैसे ओमेगा ठीक कर रहे हो, देखो एक बात सोचो सर अगर कोई भी वेव यहां से चली और वापिस यही आ गई तो उसने एक टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया, एक टाइम पीरियड का मतलब है सर दो वेव चल गई टी, कितनी चल गई टी चल गई, यहां से लेके यहां तक ये टी चल गई, यहां से यहां तक टी है तो ये वाला टाइम पीरियड कितना कहलाएगा तो पूरा साइन जीरो हो जाएगा, तुम्हें पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, यानी कि अब खुद देखो यहां पर जो मुझे करंट मिल रहा है यही तो करंट मिल रहा है, तो यहां करंट कितना मिल रहा है मुझे जीरो ही मिल रहा है। अगर मैं यहां पर जाऊं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, बल्कि ऐसे समझ लो यहां से यहां तक होता था टू पाई, यहां तक होता था पाई, अगर टाइम पीरियड के लिए पाई के गवर्नमेंट को, और यहां पर क्या होता था पाई बाई टू दो। अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं टी की जगह यहां पर पाई बाई टू लिखूं तो साइन नब में क्या होता है बंद, ये पूरी वैल्यू बंद, तो मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा मुझे आई नॉट। तो खाली तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, फिर इतना याद रखो जो चीज यहां से स्टार्ट होगी ऐसे जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा, जो चीज यहां से स्टार्ट होगी हाईएस्ट पॉइंट से उसका होता है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा, ठीक है, जो यहां से स्टार्ट होगी आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा की, यहां से स्टार्ट होगी आई नॉट साइन ओमेगा। दूसरी चीज एक और सर, मैंने एक वेव मैंने और बना दी, यहां पर करंट आई और यहां पर टाइम, अब एक वेव सर भी यहां से ऐसे चलती है, अब क्या करूं, तो अब यहां पर देखो सबसे पहले कहां जा रही थी ऊपर की, ऊपर क्या था पॉजिटिव, ऊपर क्या था पॉजिटिव, अब इसमें कहां जा रही नीचे की, नीचे क्या है नेगेटिव, क्या यही से स्टार्ट हो रही है, हां सर, तो साइन तो होगा जो यहां से स्टार्ट होगा वो साइन होगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं तो हम लिखेंगे आई इजिकल टू, देखो बाई की जगह आई तो है, आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा, तो इसमें अंतर क्या है, ये ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, ये नीचे जा रही है तो क्या लिखेंगे I इक्वल टू माइनस I नॉट साइन ओमेगा। इसी टाइप से अगर मैं इसमें लूं, हम लोग इसमें आ गए, ठीक है, यहां पर करंट क्या है I, यहां पर टाइम t, अगर मैं यहां से लूं ऐसे ऐसे, ठीक है, अब देखो सर मैं माइनस से आ रहा हूं, अगर माइनस से आ रहा हूं तो इसी इक्वेशन को अब मैं लिखूंगा तो I इक्वल टू माइनस I नॉट को
मैंने सिर्फ बताने के लिए तुम्हें बताया है कि अगर प्लस होगा ऊपर जा रहा होगा तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, नीचे आ रहा होगा तो माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, सर अगर मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा होगा तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, अगर नीचे से स्टार्ट हो रहा होगा तो आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हमारा ऐसे ग्राफ होता है। उसके बाद में इसे बता दो चारों बता दो मीन और एवरेज का निकला। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसकी बात। ये एक दो तीन चार चार होता है, तो यूजुअली कल कौन सा क्लास बताओ, हेलो नहीं पता है, नहीं पता। अच्छा बर्थडे, अरे तब तो सही है, तो रात में पार्टी होगी, तुम हजरत अली का बर्थडे में पार्टी नहीं कर रहे हो। और ये देखो प्रेम पाल तो 22 तारीख को इसके पैर दर्द करने लगते नाचते नाचते हैं। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आईआईटी का अलग रूट होता था, आईआईटी का बर्थडे बताया हमको, ठीक है, वो बताया सर। मैं जो भी एग्जांपल तुम्हें देता हूँ ना, वो एग्जांपल देता हूँ जो मैंने देखे हैं, ठीक है, या जो मैंने महसूस किए। आईआईटी में बर्थडे होता था तो केक दोस्त लिया, 250 रुपये का केक मिलता था, और वो चंदा उनका नहीं करता, 250 में क्या चंदा है, केक दोस्त लिया, उसके बाद में केक काटते थे और उसके बाद बेल्टों से मारो, ये दिक्कत बहुत है, सही बताया। और बेल्टों से इतना मारते थे अगले दिन वो बेंच पे बैठ नहीं पाते। हो गया भाई, तो बंदे खौफ खाते थे मेरा बर्थडे आएगा नहीं आएगा, वो तो ये कहते थे पैदा ही गलत हो गए। एक बात तो जरा सोचना, ए बामिक देखो सर, अगर कोई वेव यहां से चल के अगर यहां तक जाती है तो उसे हम बोलेंगे वन टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं, एक टाइम पीरियड। सर एक टाइम पीरियड यहां से लेके चली और यहां तक पहुंच गई, जितना समय लगा उसे हम बोलेंगे वन टाइम पीरियड, बोले ठीक है। यहां से यहां तक की जो एंगल होता है वो यहां जीरो, यहां पाई और यहां टू पाई, ये एंगल होता है। अगर इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो हम लोग जानते हैं टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय, ये भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, 1 अपॉन टी टाइम पीरियड, या फिर फ्रीक्वेंसी को लिखना चाहें तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ये दो फार्मूला ऐसे हैं जो तुम अपने दिमाग में बैठा लो, और इससे पहले भी ये कई बार फार्मूला यूज हुए, ठीक है, जो जो मैं बैठाने को कहूँ वो दिमाग में अपने बैठाते रहते। टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा और फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा अपॉन 2 पाई, जो होता है 1 अपॉन टाइम पी। जब मैंने इससे पहले रोटेशन मोशन करा रहा था, सर्कुलर मोशन पा रहा था, सर्कुलर मोशन में ये कई बार यूज हुए थे, तो हमने इनकी बात करी। उसके बाद में जो अगला हमारा हेडिंग था वो है मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब तुम जरा सोचना, देखो
मीन और एवरेज वैल्यू की बात मैं करूं, अब सोचो जरा, जैसे मान लो चलो बताओ आपके पास में 20 रुपए हैं और आपका भाई है छोटा बड़ा छोटा है, उसके पास 50, उसके पास ज्यादा ही हो गया, ठीक है। अब बताओ एवरेज कितना होगा, आपके पास 20 हैं, भाई के पास 50 है, एवरेज कितना होगा बताओ, आप बताओ कितना हुआ, बोलो नहीं पता है, एवरेज कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, कितनी संख्या का आंकड़ा करो, 70 35 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 कितना हुआ, जीरो, कितना हुआ जीरो। अब तुम कतई इसी में समझना, मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट। अगर मैं कहूं आपसे फॉर कंप्लीट सर्किट, फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल का मतलब है मैं एक कंप्लीट साइकिल कब कहलाएगा, जहां से चला वापस वही पहुंच गया, दूसरा क्या कहलाएगा, एक कंप्लीट साइकिल। तो अगर कंप्लीट साइकिल का मतलब ये हो गया मैं जीरो से किसके बीच में देख रहा हूं सर, टाइम पीरियड टी के बीच, जीरो से टी के बीच में अपन देख रहे हैं। अब मुझे बताओ जितना ऊपर है उतना ही कई बार ऊपर है, सोचो करंट सर्किट देखो यहां पर बढ़ रहा है मैक्सिमम, जो एरिया जितना ऊपर है उतना ही कहां है नीचे, तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो अगर मैं यहां पर आई एवरेज की बात करूं तो आई एवरेज कितना हो जाएगा जी, और फुल साइकिल के लिए कितना हो जाएगा जी, और क्यों जीरो हो गया तुम लोगों को बताइए, जीरो क्यों हो गया, क्योंकि जितना ऊपर था उतना ही कहां था नीचे, ठीक है। हाँ ये बात अपने दिमाग में डालो। दूसरी चीज अगर मैं ये कहूं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ टाइम पीरियड, अगर मैं हाफ टाइम पीरियड की बात करूं, हाफ टाइम पीरियड का मतलब हो गया जीरो से लेके कहां तक चला मैं टी बाई टू, जीरो से टी बाई टू, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कतई कोई टेंशन लेने की बात नहीं। मैंने तुमसे कह दिया कि इस चैप्टर में जितनी भी डेरिवेशन है अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब में इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन से आपका दो दिन तक का कोई वास्ता नहीं, ट्वेल्थ में था क्योंकि ट्वेल्थ में बोर्ड में लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। देखो आई एवरेज का जो फार्मूला होता है वो होता है आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। आई एवरेज का फार्मूला होता है आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। टाइम पीरियड मेरा जीरो से लेके है टी बाई टू, जीरो से लेके टी बाई टू। आई इक्वल टू सर एसी करंट में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं I equal to I not sin omega t होता है, ये होता है I equal to I not sin omega t। उठा के वैल्यू मैंने ये यहाँ पर रख दी, जीरो से t by 2 I की जगह मैंने रखा I not sin omega t into dt upon जीरो से t by 2 into dt, ठीक है। अब देखो I not constant है ऐसे ही रहा, साइन ओमेगा टी का हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो इसके साथ में है टी के साथ में है ओमेगा, ओमेगा आ जाता है नीचे, ओमेगा आ गया नीचे। उसके बाद में जीरो से कहां तक था टी वाई टू तक, अब नीचे देखो नीचे देखते डी टी का हो जाएगा खाली टी, और ये हो जाएगा जीरो से टी वाई टू। अगर मैं अभी यहां पर लिखूं आई नॉट बाई ओमेगा ऐसे ही माइनस को ले आओ बाहर तो माइनस आ गया बाहर, सबसे पहले कॉस ओमेगा ऐसे ही टी की जगह रखा टी वाई टू, टी की जगह टी वाई टू माइनस टी की जगह जीरो, तो पूरा हो गया कॉस जीरो। नीचे नीचे रखा गया
तो एक बार t की जगह टी वाई टू और एक बार t की जगह जीरो है। अब तुम यहां पर देखो, अगर मैं ओमेगा को लिखना चाहूं, अभी तुम आप बोले टू बाई वाई टी, ओमेगा बराबर टू बाई वाई, मैंने कहा ठीक है, देखो माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, ओमेगा की जगह रख दो, ओमेगा की जगह मैंने रखा टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी बराबर का साइन ये यहां पर है, ठीक है, देखो बराबर का साइन तो टू पाई बाई टी, उसके साथ में यहां पर कॉस ओमेगा की जगह रखा टू पाई बाई टी इन टू टी बाई टू और कॉस जीरो हो गया वन, और यहां पर रहा टी इक्वल टू टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी, और यहां पर रहा टी बाई टू, साथ में ये ओमेगा को ऐसे रहने, ओमेगा को ऐसे रहने, दिक्कत है, यहां पर हो गया टी बाई टी, से टी कट गया, अब कॉस पाई बचा और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, दो गया ऊपर, दो गया ऊपर, टी गया इसके साथ, ठीक है, टी गया इसके साथ, अब मैंने देखा यहां पर बचा कॉस पाई, बचा कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन और इसकी वैल्यू माइनस, माइनस 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 टू, माइनस टू के इससे मल्टीप्लाई हुई तो ये आया फोर आई नॉट बाई ओमेगा टी। अब अगर मैं टी को रखना चाहूं तो टी को रख सकता हूं टू पाई बाई ओमेगा, इस टी को देखो ये उतारना फिर ये उतारना फिर क्या उतारना फोर आई नॉट ओमेगा, ऐसे ही यहां पर टी इक्वल टू टू पाई बाई, इससे ये कटा तो आंसर आया आई नॉट बाई पाई, वो भी कौन सा टू आई नॉट बाई पाई। तो तुमको सिर्फ इतना याद रखना है, कितना याद रखना है तुमको, इंटीग्रेशन से कोई मतलब नहीं है, तुमको सिर्फ इतना याद रखना है सर, अगर कंप्लीट साइकिल के लिए बोलूं, फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज आई एवरेज कितना होता है जीरो, और फॉर हाफ साइकिल के लिए आधी हाफ साइकिल के लिए होता है टू आई नॉट बाई, बस इतना याद, बाकी कोई मतलब नहीं, ठीक है, कंप्लीट साइकिल के लिए सर जीरो, हाफ साइकिल के लिए टू आई नॉट बाई पाई, बस इतना याद रखना, उतार लो पहले ये उतारना फिर ये उतारना फिर इसके बाद में ये उतारना उसके बाद में ये उतारना, ठीक है, लास्ट में आया है टू आई नॉट बाई पाई, नहीं मैं बता देता हूँ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है ना, इसे उतार, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो तुम पता चलेगा कि जितना तुम बोलते हो ना 220 वोल्टेज आ रहा है हमारे घर में, ठीक है, वो 220 वोल्टेज नहीं, वोल्टेज तो कुछ और आ रहे होते हैं, तुम पढ़ते 220 वोल्टेज, ऐसे होता हो जैसे तुम पेपर दे रहे हो और ये नकल मिली हो, समझे, हाँ और क्या भाई, सभी सेम टाइम में मिल जाएगा, खैर प्रोफेसर हमारी भाषा हम ही नहीं समझ पाएंगे, हम लिखे तो लिखे क्या है, आपने
कीजिए, मोबाइल आपके पास है अभी नहीं है, मोबाइल में से बस फोटो खींच दो ग्रुप में डाल दो, सब इतने रहेंगे। जिसमें कोई फायदा नहीं, बात ये है इसका कोई फायदा नहीं है किसी प्रकार से। अगर जेई होता, आईआईटी जेई होता, आईआईटी जेई में इसका फायदा, क्योंकि आईआईटी जेई तो उनके लिए बताएं नहीं इंटीग्रेशन कुछ, उन्हें सब पहले से पता होता है इंटीग्रेशन, आईआईटी जेई तो पहले से पता होता है, तो उन्हें कुछ इंटीग्रेशन के बारे में पता नहीं होता। यहाँ पर जिनने उतार लिया तो ठीक है, नहीं तो बच्चे ने बोले यहाँ तक उतारो और ये उतारो उसके बाद डायरेक्ट उतारो क्या बनता है तुम बताओ, वो तो बताइए वो बच्चे पता है ना, अगर बता दें तो हमें सिर्फ घर देता है हेलो क्या बनता है बताओ क्या बनेगा तो बर्थडे बता कितने बनता है ना, जैसे अपन बताए हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो किसी जी का बर्थडे, राम जी का बर्थडे ठीक है, तो खीर बनती है, पूरी बनती है, कचौड़ी बनती है, सूखे आलू की सब्जी बनती है, फूल आलू की सब्जी बनती है ठीक है, ऐसी चीज़ें बनती हैं। हमारे बच्चे के लिए आना है क्या, उसे कोई खाना ही नहीं होता है, हो गया चलो। क्या गया इसमें, मक्खी बैठी हुई है जिसके 600 से 10 आ रहे हैं वो इसमें चले जाइए, जिसके 600 से नीचे रहते हैं वो अपने बैलेंस रिपोर्ट कर देंगे।
ठीक है, दोनों कॉलेज हैं, एमबीबीएस का भी है, बीएमएस का भी है। तो हमने क्या देखा, एक फिर से सुनो, हमने देखा ये महाराज, हमने देखा कि सर अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट है फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए आई एवरेज की वैल्यू सर जीरो होती है, फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए, ठीक है। अगर मैं हाफ साइकिल के लिए कहूं तो एवरेज जो वैल्यू आई वो आई टू आई नॉट बटे ये जीरो से लेके टी वाई टू, हाफ के लिए इतनी है। अगर मैं पाई, पाई की मतलब होता है 3.14, अगर 3.14 से 3.14 से 2 को भाग दूंगा तो 0.637, इतना एवरेज, एवरेज आया 0.637 आई नॉट, ठीक है। 3.14 से 2 को भाग दिया तो मेरा ये आया सर, ये जो मेरा देखो अभी मैंने निकाला वो निकाला मीन और एवरेज वैल्यू किसके लिए, करंट के लिए। अगर मैं यहीं पर मीन या फिर एवरेज वैल्यू निकलवाऊं किसके लिए, वोल्टेज के लिए, वोल्टेज के लिए सर, वोल्टेज का मतलब ये होता है कि अब इधर V रहेगा और इधर क्या रहेगा T, तो जैसे पहले ग्राफ बने थे वैसे ही बनेगा, V का भी वैसे ही बनता है और जैसे I का बनता है वैसे ही V का बनता है, इक्वेशन भी बिल्कुल वैसे ही रहती है, बस अंतर इतना है I की जगह V हो जाता है, I नॉट की जगह V नॉट होता है, यहां पर हो गया साइन ओमेगा T। अब तुमसे कोई पूछ ले V नॉट क्या है, V नॉट है मैक्सिमम वोल्टेज, I नॉट क्या है मैक्सिमम करंट, इस मैक्सिमम करंट को हम लोग पीक करंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पीक करंट, इसको हम लोग पीक वोल्टेज भी बोलते हैं। तो अगर मैं इस पूरे का भी, अगर मैं इसका एवरेज लूंगा, क्या बी एवरेज, बी एवरेज ये भी जीरो होगा लेकिन किसके लिए सर, फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए क्या होगा जीरो। लेकिन अगर मैं ये भी यही एवरेज हाफ साइकिल के लिए लूंगा, हाफ साइकिल का मतलब हो गया जीरो से टी वाई वाई, तो जैसे यहां पर था टू आई नॉट बटे पाई, ऐसे ही यहां पर होगा टू बी नॉट अपॉन पाई, टू बी नॉट अपॉन पाई को अगर मैं कहूंगा तो 0.637 अब क्या हो जाएगा बी, ठीक है। तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तुमसे पूछेगा अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में फॉर हाफ साइकिल बी एवरेज क्या होगा, तो चार ऑप्शन होंगे, उन चार ऑप्शनों में या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, तुमको देख के क्लिक करना है। अगर आपसे पूछे फुल साइकिल के लिए कितना होगा, फुल साइकिल के लिए, तो फुल साइकिल के लिए तुम्हें पता होना चाहिए कितना होता है सर, मेरा जीरो, फुल साइकिल के लिए जीरो होता है, ठीक है, सही। इसी को करने के बाद में उसके बाद हम बड़े कर लें, यहाँ पर तो ये साइन की थी, अगर साइन की जगह यहाँ कॉस का निकालता तो कॉस का भी फुल में जीरो आता, सही है, और हाफ में उसका भी इतना ही आता 0.637। अब क्वेश्चन देखो, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें कोई वोल्टेज दे दिया B = V0 cos omega, B = V0 sin omega t plus, sorry, B = V1 sin omega t और V2 cos omega। मैंने तुमसे क्या पूछा, मैंने तुमसे इसमें एवरेज वैल्यू पूछी, लेकिन किसके लिए कह रहा है अपन, फुल साइकिल के लिए, ठीक है, तुम्हारे नीट में आएगा फुल साइकिल। अब देखो फुल साइकिल के लिए तुम्हें पता है सर, अगर मैं इसके लिए निकालूंगा फुल साइकिल जीरो,
इसके लिए भी जी, चाहे साइन वर्ड चाहे कॉस वर्ड दोनों के लिए क्या आएगा जी। तो यहाँ पर जो फुल साइकिल के लिए जो बी एवरेज की वैल्यू आएगी वो सर जीरो है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन को मैं ऐसे कहता बी इक्वल टू बी नॉट प्लस बी वन साइन ओमेगा टी प्लस बी टू कॉस ओमेगा टी, अगर मैं इसमें पूछता कि बताओ इसमें अब बी एवरेज क्या होगा, बी एवरेज किसके लिए फुल साइकिल के लिए, तो फुल साइकिल के लिए बी एवरेज कितना होता है, इसमें क्या हो जाएगा जीरो, और इसमें भी क्या हो जाएगा जीरो, सर इसमें भी जीरो इसमें भी जीरो, तो इसमें जीरो नहीं होगा क्योंकि इसमें साइन और कॉस नहीं है, इसमें साइन और कॉस नहीं है, यहाँ पर वोल्टेज क्या है कॉन्स्टेंट, वोल्टेज कॉन्स्टेंट किसमें होता है सर डीसी, इसमें होता है डीसी, लाल डीसी कौन होता है लालचंद, डीसी में होता है। तो सिर्फ यहाँ पर जो बी एवरेज क्या बचेगा बच्चों याद रखना, सिर्फ यहाँ पर बी एवरेज क्या बचेगा बी नॉट, क्या बचेगा बी नॉट। ऐसे ही अगर मैं करंट के लिए कहूँ, करंट के लिए मैंने कहा आई नॉट बाई टू प्लस आई वन साइन ओमेगा टी ठीक है प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, मुझे बताओ इसमें आई एवरेज कितना होगा, तो इसमें आई एवरेज सर ये भी जीरो और ये भी जीरो, सिर्फ क्या बचेगा आई नॉट बाई टू, सही है। तुम्हें कोई क्वेश्चन दे देगा चाहे बी के टर्म में दे चाहे आई के टर्म में दे, अगर आपसे एवरेज पूछे तो जितना साइन और कॉस के साथ में उन सबको खत्म कर देना जीरो कर देना ठीक है, चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे छह हो चाहे एक ही हो, जैसे मान लो अगर मैं ये वाला सिर्फ यहाँ तक देता इधर वाला देता ही नहीं तब भी तो आंसर इतना ही होता yes, sir. अगर ये वाला भी नहीं देता तो जीरो हो जाता, तो क्या हो जाता जीरो हो जाता, तो आई एवरेज का फार्मूला हो जाएगा आई नॉट बाई टू, ये हो जाता यहाँ पर। स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तीन फार्मूला थे
हीट प्रोड्यूस के तीन फार्मूला थे, एक तो था एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एक था बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, एक था बी आई तीन फार्मूला। ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ ये वाला यूज कर रहा हूं एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। जो यहां पर जो ये करंट होता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं आर एम एस, आई आर एम एस। आर एम एस का मतलब क्या है? रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट आई आर एम एस। ठीक, अब देखो हम लोग इसे करेंगे तो करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आई इजिकल टू हमारा होता है आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, आई इजिकल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा। अब जरा सोचना, अगर हम टाइम छोटा सा दें तो छोटी से टाइम में छोटी सी ही। ठीक है भाई, मैंने कहा फिर से डेरिवेशन आ गया है, तुम्हें नहीं देखना है, मतलब देखना है, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। हाँ, नहीं आया तो ये सोचना घर आके फेंक दिया, ये हो गया। देखो अब क्या है, छोटा सा करंट, छोटा सा टाइम तो छोटी सी हीट। सर डी एच, डी एच मैंने आई की जगह मैंने लिख दिया I not sin omega t का स्क्वायर r इंटू छोटा सा टाइम dt। अगर मैं यहां पर स्क्वायरिंग को ओपन करूं तो ये हो जाएगा I not square sin square omega t r इंटू dt। अगर इसे और लिखा जाए तो I not square r sin square omega t इंटू dt। ठीक है, छोटा सा टाइम चल रहा है ना t। मैंने कहा यहां पर जो लिया जाता है ये फुल साइकिल के लिए लिया जाता है, जीरो से लेके टी तक, तो जीरो से लेके एच। जब समय जीरो है, जब टाइम जीरो है तो फिर हीट भी प्रोड्यूस जीरो, जब टाइम टी हो गया तो हीट प्रोड्यूस मैंने एच माना। अब तुम देखना साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता ही। ठीक है, लेकिन तीन फार्मूला है जो कॉस टू थीटा के तुम्हें पता होना चाहिए। पहला cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये तीन फार्मूला होते हैं। यहां पर लिखा हुआ है cos 2 थीटा, यहां पर cos स्क्वायर थीटा है, cos sin स्क्वायर थीटा है, तो sin स्क्वायर ये। अगर मैं इसको इधर लाऊं तो ये बस इसको अगर इधर लाया जाएगा, इसको इधर, ठीक है, इसके बाद में यहाँ, चलो यहाँ ही, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा, इसको इधर, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये उधर गया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दिया, इसको ले गया मैं नीचे, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो थीटा की जगह मैं लिख दूँ ओमेगा टी, तो अगर मैं चाहूं तो यहां पर कर दिया सर मैंने ओमेगा टी, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं रख सकता हूं वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी बटे दो। तो यहां होगा डी एच इजिकल टू आई नॉट स्क्वायर आर, बाहर ले लो जीरो से टाइम टी, साइन स्क्वायर की जगह रखा वन माइनस cos 2 ओमेगा t बटे 2 इनटू d। ठीक है, ये 0 से h, 0 से h का तो हो जाएगा h। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं i नॉट स्क्वायर r, यहां पर ये बचा अलग अलग कर दिया मैंने 1 बटे 2 माइनस cos 2 ओमेगा t बटे 2 और पूरे का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट। ठीक है, इसका करा तो यहां पर आया टी बाई टू स्मॉल डी करे स्मॉल टी बाई टू, इसका इंटीग्रेशन करें तो, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वन बाई टू ऐसे ही कॉस का हो जाता है साइन साइन टू ओमेगा टी, टी के साथ में जो है वो कहां आएगा नीचे नीचे, नीचे है। और जीरो से लेके टी तक। अब एक बार अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, ये पूरी वैल्यू हो जाती है जीरो,
ठीक है, ये पूरी वैल्यू जीरो, सिर्फ यहाँ पर टी रख दो, यानी कि सब जो मेरा एच का फार्मूला निकल के आएगा वो आता है आई नॉट स्क्वायर आर टी बटे दो, ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। फाइनल जो एसी में, ये क्या है एसी, एसी में जो हीट प्रोड्यूस का फार्मूला निकल के आता है वो आता है आई नॉट स्क्वायर आर टी बटे दो। सर डीसी में अगर हम लोग देखते थे तो हमारा क्या होगा था, एच बराबर आई आर एम एस स्क्वायर आर टी। अगर मैं इसकी और इसकी कंपेयर करूं, कंपेयर करें दोनों, अगर मैं कंपेयर करूंगा इधर भी एच उधर भी एच, इधर भी आर टी उधर भी आर टी, लेकिन उधर आई आर एम एस का स्क्वायर और इधर आई नॉट स्क्वायर बटे दो। अगर मैं यहां से आई आर एम एस निकाल लू तो अंडर रूट उधर पटकूंगा, जब अंडर रूट इधर जाएगा तो यहां पर सिर्फ क्या बचेगा आई नॉट, और यहां क्या बचेगा अंडर रूट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट टू, ठीक है, आई नॉट बाई रूट टू, और रूट टू का मतलब क्या होता है 1.414। अगर इसको तुम भाग भी दोगे तो आई आर एम एस आएगा 0.707 आई नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई रूट टू। ये क्या हुआ है कोई मतलब नहीं, सिर्फ मतलब इतना है कि आई आर एम एस कितना होता है तो आई नॉट बाई रूट टू होता है, बस आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 आई, बस इतना है याद। आई आर एम एस सिर्फ याद रखना है आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट टू, बस इतना याद रखना है।
ना तो पूरे दिन पढ़ाते हैं, तब तक नहीं होता है हाथों में। सही, अब देखो जैसे तुमने करंट के लिए कहा, आप बोले आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई रूट, ऐसे ही बी आर एम एस भी होता है। अगर तुमसे बी आर एम एस पूछे तो हो जाएगा बी नॉट अपॉन रूट, सिंपल सी बात, ठीक है। जैसे यहां पर होता है 0.707 आई नॉट, ऐसे ही यहां पर होता है 0.707 बी नॉट। बी नॉट यहां पर क्या हो जाएगा सर, मैक्सिमम करंट है, क्या है, मैक्सिमम करंट। अब तुम देखो एक बात याद रखना, आप लोगों ने कभी बल्ब देखा होगा, ठीक है, बल्ब पर लिखा होता है 220 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, ऐसे वोल्टेज लिखा होता है, किसी पर 100 वोल्टेज, तो वो जो वोल्टेज वो लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, वो बी नॉट नहीं है, वो क्या है, बी आर एम एस। ध्यान रखना क्या है, वो बी आर एम एस, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं कहूं इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी मैंने बताया भी है इससे पहले कितनी आती है, 50 हर्ट्ज की, ठीक है, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, और वोल्टेज कितने आते हैं, 220 वोल्टेज। तो याद रखना यहां पर ये 220 वोल्टेज क्या है, बी आर एम एस है, क्या है, बी आर एम एस, सही है, बी आर एम एस, सही है। अब देखो इंडिया में लाइट कितने की आती है, 220 वोल्टेज, ठीक है। और एक गाना आया था कौन सा, हाँ हाँ, लगा 440 वोल्ट का झटका है, ऐसे कुछ मुझे एग्जैक्टली उसके नाम नहीं आया। तो वहां पर क्या हुआ था, हाँ, वहां पर जो फिल्म डायरेक्टर था उससे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, उससे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, क्या था, देखो इतना करंट आता है ये आर एम एस है, ये क्या है, आर एम एस, मैक्सिमम कुछ और है, मैक्सिमम क्या होगा, तो तुम ही तो बोले अभी कि बी आर एम एस इज इक्वल टू बी नॉट बाई रूट टू, तो बी नॉट क्या हो जाएगा, रूट टू बी आर एम एस, रूट टू, ऐसे ही बी आर एम एस कितना आता है बोलो, 220 वोल्टेज। सर रूट टू का मतलब होता है 1.414, जब इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आता है, 311 वोल्ट। मतलब जो हमारे करंट, जो हमारा तारों में, जो हमारा जो वायर है, जो हमारे वायर में पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल कितना है, 311 मैक्सिमम। 311 क्या है, मैक्सिमम, मिनिमम तो जीरो। एवरेज कितना है, बी आर एम एस कितना है, 220। अब एक बात रखा, कभी भी जब हम लोग क्वेश्चन करते होते हैं, क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में कहीं पर खाली वोल्टेज लिखा है, ठीक है, कि वोल्टेज 200 वोल्ट, तो समझ जाना वो दिया है बी आर एम एस। जब तक ये मेंशन ना हो, जब तक ये मेंशन ना हो कि बी नॉट ये मैक्सिमम वोल्टेज, अगर उसने कह दिया मैक्सिमम वोल्टेज 300 वोल्ट, तो समझना वहां पर क्या दिया है, बी नॉट दिया है, क्या दिया है, बी नॉट। अगर कहीं पर भी ये दिया हुआ है 200 वोल्टेज, तो समझ जाना वो क्या दिया है, 200 वोल्टेज क्या है, बी आर एम एस, क्या है, बी आर एम एस, इतना ध्यान रखना, वो बी आर एम एस, तो इतना रियल टी में, तो इतना रियल टी में इतना वोल्टेज हमारे इंडिया में, मैक्सिमम वोल्टेज जो हमारे इंडिया में आता है तारों में, वो कितना आता है, 311 वोल्ट हमारे इंडिया में तारों में आता है। इसे उतारने के बाद ये मुझे बी आर एम एस निकालना, मेरे पास दो वेव है, वो एक वेव है B1 sin ओमेगा t, B2 cos ओमेगा, मुझे क्या निकालना है, बी आर एम एस। प्रेमपाल इसका बी एवरेज क्या होगा,
तो छाया क्या होगा? जीरो होगा। जी सही काम बता दिया, नहीं तो आप दावत चल जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। सर हम लोग आरएमएस की बात करें, इसे रख लो। हम लोग इसके आरएमएस की बात करें, जिन्हें टॉपर्स ने भी दिया, जिन टॉपर्स थे, जो टॉपर है क्लास के टॉपर्स,
एक बच्चे ये थे जो एवरेज थे, एक थे जो बिलो थे। तो जो मैंने देखा जो एवरेज बच्चे थे, टॉपर्स मतलब एवरेज बच्चे थे, उन्होंने जैसे ही ट्वेल्थ पास किया, ट्वेल्थ में बेचारों की भाई 64-65% ऐसे परसेंटेज बने। ठीक है, अच्छा ये एक नॉर्मल परसेंटेज होती है, 64-65-63% ये नॉर्मल परसेंटेज बनते हैं। टॉपर्स वो होते हैं जिनकी 80 से ऊपर बनी थी, और शायद किसी बच्चे की 89 नंबर ही गई थी। ठीक है, हाँ, जिस मैंने कहा मैं नवाबगंज से, मेरा इंटर है ट्वेल्थ नवाबगंज से, और नवाबगंज का एजुकेशन लेवल पीलीभीत का एजुकेशन लेवल से हायर है, ऊपर है, ऊपर है। क्योंकि जिस साल मैं ही पढ़ा था तो मैंने, मेरी ट्वेल्थ में 86.8 थी, अब 86.8% में मेरा कोई नाम निशान नहीं था, मेरी तहसील नहीं, नवाबगंज तहसील है, तहसील में कोई पोजिशन नहीं थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई पोजिशन ही नहीं थी किसी प्रकार से, कोई मतलब नहीं था। और वही परसेंटेज जब मैंने यहाँ पर कुछ कॉलेज मैंने विजिट किए, तो मैंने यहाँ पर कॉलेज में देखा था, आप तो बोल रहा डिस्ट्रिक्ट में नाम है और मुझसे कम परसेंटेज वाले का, तो ये मैं, हाँ मैं उस समय भी देखता था, आज भी देखता हूँ, मैं वहाँ पर भी देखता हूँ कि वहाँ पर जो रहता है शेड्यूल रहता है बच्चों का 96-97 ऐसे नंबर तो रहते ही रहते हैं, कॉमन है, उनमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज ये है कि मैंने वहाँ देखा कि जो बच्चे टॉपर थे ट्वेल्थ के बाद में अच्छी पढ़ाई नहीं, अच्छी पढ़ाई का मतलब है हमारा एक माइंड सेट होता है। कुछ बच्चे ऐसे थे जो टॉपर थे, टॉपर्स के बाद में क्या करेंगे, कुछ नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई ढंग की करेंगे नहीं, खाली उन्होंने बीएससी कर ली, किसी ने बीएससी कर ली, किसी ने एमएससी कर ली, ठीक है, कोई ऐसे करते रहे, आज कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। जो बच्चे एवरेज थे उन्होंने अगर बीएससी भी उनकी रही तो उनके साथ उन्होंने प्रिपरेशन करी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, सिलेक्शन हुआ, जितने थे अगर मेहनत से लगे रहे सबका सिलेक्शन हुआ। और इस समय मेरे हिसाब से मैं 6 बच्चे को जानता हूँ जो एवरेज थे और 6 में से 6 डॉक्टर है, ठीक है, जिनमें 3 शायद MBBS हैं और 3 BMS हैं, और सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में तो सरकारी कॉलेज में, ठीक ऐसे ही, और हाँ ये ऐसे बच्चे तो वो लगे रहे वो हो गए। जो बच्चे टॉपर थे वो सोचते थे कि अरे अपन ये करेगा वो करेगा, वो कुछ नहीं, ये ज़्यादा बने तो मास्टर बन गए बस, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जिसने BTC कर ली वो मास्टर बन गए छोटे, ये तो अपने जो रूटीन है ना उस रूटीन पे तुम लोग लगे रहो धीरे धीरे 1 साल 2 साल, लेकिन मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहोगे सफलता मिलेगी, 100% ऐसा नहीं होता, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो तुमसे बड़ा हो, लेकिन बस उसके लिए लगना तो तुमको पड़ेगा ही, मेहनत नहीं करोगे कैसे काम करेगा, इसलिए और अपने दिमाग में ये बात मत लाया करो कभी भी कि हमारा ट्वेल्थ में रिजल्ट कितना डाउन रहा है, ट्वेल्थ में रिजल्ट डाउन पाया ना, अब तो डाउन नहीं है अपन, अब तो अपन बेटर है, बस लगो मेहनत से लगो। मेनली ये होना चाहिए कि हम लोग एलिजिबल हों एग्जाम को लेके, अगर हम लोग एग्जाम को लेके एलिजिबल हैं मेहनत से पढ़ो हो जाएगा। अच्छा रिजल्ट तो कुछ डाउन की वजह ये भी रहती है, एक आप GGIC से हो एक आप अंग्रेजी से हो, तो 100% अंग्रेजी देवी का रिजल्ट हाई रहता है, क्यों ना लोग रहता ही रहता है, हाई का मतलब नहीं समझ रहे हो, एक जहाँ बच्चे ऐसे मतलब जैसे GGIC में क्या है, एक बच्चा पढ़ने में तेज है तो 4 कमजोर, फिर एक पढ़ने में तेज है फिर 4 कमजोर, तो जो कॉपी चेक करने वाला जो माइंड सेट होता है ना उसी हिसाब से बना हुआ होता है, और एक जगह जहाँ पर बच्चे सब अच्छे पढ़ रहे हैं तो उसी हिसाब से डिसाइड होता है। कॉपी के ऊपर डिसाइड मत करो कि हमारी कॉपी में या ट्वेल्थ में कितने नंबर आए, मेनली ये बस तुम अपने ऊपर ध्यान देना। अब इसी क्वेश्चन को और मैं तुम्हें बताऊं, एक लड़का था जिसे हम लोग लालू लालू बोलते थे, हाँ मतलब लालू 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 नाम लेते थे उसका, वो जब मैं 10th में था नहीं जब मैं हाँ जब मैं 9th में था तो वो 10th में था, वो हो गया फेल, तो इससे पहले बताया था 10th में फेल हो गया। अब मैं 9th में था, अब मैं 10th में आ गया, अब वो भी 10th में आ गए, ठीक है। तो जैसे रेंट पे रहते थे हम लोग तो एक ही मकान थे, तो दोस्ती हो गई थी, वो 10th में पढ़ता था जैसे, तो हम उससे पहले हम उसे लालू भैया बोलते थे, फिर हम उसे लालू कहते थे, ठीक है, तो साथ आ गया ना, पता है तो लालू करने लगे, ठीक है लालू। जब फिर से बोर्ड के, जब बोर्ड के पेपर आने वाले थे, अब उसके मन में पहले से फेल का डर था, वो घर छोड़ के भाग गया,
बोले 100% फेल होना, इससे अच्छा घर वाले मारे, इससे अपना बात करो, ठीक है, घर से बात करो। उसे घर से कहीं से पकड़ के लाते, पता नहीं कहाँ बताई लाइन से ऐसे पकड़ के लाते, ठीक है, बताई से पकड़ के लाए, बोले कोई बात नहीं, पेपर भी पास हो जाए। वो मरे दर्जे से 50-51% से ऐसे आके पास हो गए। अब वो बहुत खुश, बोले अपन पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आराम से फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में कोई फेल होता नहीं, नाइन्थ और फर्स्ट ईयर में इंटरव्यू कौन फेल होता है, इलेवेंथ में भी पास हो गया। अब उसका आ गया ट्वेल्थ, अब ट्वेल्थ में उसे ग्रेट टेंशन, लेकिन ट्वेल्थ में उसकी क्या हुई, थोड़ी उम्मीद जागी, तो थोड़ा पढ़ने लगा, पहले कभी नहीं पढ़ता था, थोड़ा पढ़ने लगा। ट्वेल्थ में भी उसकी 62-61-60 कुछ ऐसी कुछ परसेंटेज आ गई ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ में पास हो गया। अब घर में बहुत खुश हो गए कि घर का इकलौता बच्चा है जिसने ट्वेल्थ पास किया, ठीक है, घर का इकलौता इकलौता लड़का था वो, घर का इकलौता लड़का है जिसने ट्वेल्थ पास किया, कोई बात नहीं। अब उसके मन में पता नहीं क्या आया, वो बोला कि ऐसा है अपन तैयारी करेगा, नीट की तैयारी करनी, डॉक्टर बनेगा अपन, नीट की तैयारी करेगा। एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांचवी साल में नंबर आया, पांचवी साल में, और उसे मिला था एम्स ऋषिकेश, एम्स ऋषिकेश, उसने केजीएम छोड़ा था जो लखनऊ का है, कानपुर लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश का नंबर वन कॉलेज है, ठीक है, उसने केजीएम छोड़ा था एम्स के चक्कर में, फिर उसने एम्स ऋषिकेश पढ़ा, और उसका फाइनल हो गया है, एमबीबीएस फाइनल हो गया है, प्रैक्टिस चल रही है, और साथ में एमबीबीएस। तो ये भी एक वो है, तो सोचो जैसे ट्वेल्थ फेल हो गई ना, ये कभी खत्म, ऐसे उसको भी मुझे बना दिया, वो भी सुपर ठीक है, उसकी भी यही राम है। और ये मैं कतई जीता जावा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं तुम्हें गांव बताऊं, सुना नवाबगंज के साइड में एक गांव पड़ता है सुंदरी, नवाबगंज के साइड में गांव पड़ता है सुंदरी, सुंदरी का रहने वाला है, और उसकी मम्मी है वो आसान, उसकी मम्मी आसान, पापा कुछ नहीं करते, आसान ही नाकामाड़ी ऐसे कुछ, वो है तो वही है तो वो हुई है। और ऐसे ही एक लड़का होता है गिरजा शंकर, गिरजा शंकर नाम जो कितने कितने अजीब है, एक था गिरजा शंकर के पापा वो भी कुछ नहीं करते, मिडिल क्लास से फैमिली से ही होते बच्चे, उसके पापा साहब डल्लब चलाते थे, डल्लब जानते तुम लोग, उसका डल्लब चलाते, उसने भी तैयारी करी, उसका तीसरी साल, और उसने जो सैफाई में है कोई तुम्हें करंट दे दिया I0+I1 sin ωt + I2 कॉस ओमेगा, मैंने तुमसे पूछा कि बताओ इसके अंदर आई आर एम एस क्या होगा, इसके अंदर क्या पूछा, आई, अगर मैं आई आर एम एस इसमें पूछूं तो आई आर एम एस हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, तो आई आर एम एस निकालने के लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले आई वन है क्या, यहाँ पर साइन कॉस है नहीं, जहां साइन कॉस नहीं होता है उसका खाली स्क्वायर होता है, बस खाली स्क्वायर, ठीक है, जहां आई आर एम एस, जहां साइन कॉस होता है वहां पर आई वन स्क्वायर बटे दो, यहां पर भी है तो यहां पर भी आई टू स्क्वायर बटे, और पूरे के ऊपर क्या लगा दो, ये मेरा हो गया आई आर एम एस, ठीक है, ये इसका आंसर है। आधे घंटे मैंने लेक्चर दिए महाराज, आधे घंटे कुछ बताया नहीं बताया, मैं तुम्हें सही बताऊं कभी कभी हम भी बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी जनरेशन से मैं अभी गुजराई हूँ, मतलब गुजरा क्या गुजर गया, आप ऐसे सब लोग अभी तो तुम लोग जब मैं बता रहा हूँ तुम मुझे गाली देते हो, कारण की बता रहा हूँ सर किया, और लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ
यही जब तुम चार साल बीत जाएंगे, चार साल जिंदगी और बीत जाएगी, उसके बाद तुम कहोगे यार सर जी सही कह रहे थे, अपन ही बेकार के इंसान है ना। ये चीज गंभीर
पचास हर्ट्ज। देखो बी ये तो समझ में आ गया, बी एवरेज भी समझ में आ गया। सर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, न्यू क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू ओमेगा बटे 2 पाई। मैंने यहां पर कंपेयर करी थी तो ओमेगा की वैल्यू मेरी क्या आई थी 314, तो 314 अपॉन 2 पाई। 2 ऐसे ही पाई की जगह मैंने रखा 3.14, पॉइंट से हटाया तो दो जीरो लगाए, 340 से जब इसे काटा तो 100 आए, और जब 2 से काटा तो क्या आ गया 50। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है सर, हर्ट्ज। इसका हमको निकालना है, इस पूरे का हमको निकालना है बी आर एम एस की, बी आर एम एस क्या होता है। निकालने के लिए सर अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है सही। इसका एवरेज कितना होता, इसका एवरेज कितना होता पांडे जी बताओ। जीरो होता है, कितना होता छाया, छाया आपका नाम है वर्षा है, हाँ बताओ छाया इसका एवरेज कितना होता है, नहीं पता सबका एक एक दिन फिक्स कर लेना है, ठीक है। तो खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है बेटा। मैंने एवरेज के लिए मैंने बोला था जहां भी ये लिखे ना जीरो कर देना, वहां पे तो इसका तो स्क्वायर हो जाएगा ना। नहीं सिर्फ दो रहेगा, दो आएगा सिर्फ दो रहेगा, इसलिए जो यहाँ है वही एवरेज होगा, ठीक है। यहाँ नहीं होगा, ये दो नहीं होगा तो जीरो होगा। अब अगर मैं आरएमएस निकालूं तो सबसे पहले तो सर दो का स्क्वायर प्लस क्या कर देंगे आप लोग, थ्री स्क्वायर बटे दो, दो स्क्वायर बटे और यहाँ पर कुछ नहीं तो एक स्क्वायर बटे, बटे दो किसके होता था, बटे दो होता था इसमें साइन ऑफ कॉस होता है, यहाँ पर क्या है कॉस, तो तीन का स्क्वायर बटे यहाँ कॉस, तो दो का स्क्वायर बटे दो, यहाँ एक है साइन है तो एक का स्क्वायर बटे दो, बस अब आ गए 4 9 by 2 4 by 2 1 by 2 अंडर रूट 4 4.5 plus 2 plus 0.5 5 6 7 7 4 11 अंडर रूट 11 बोल्ट। अंडर रूट 11
फॉर्म फैक्टर इसे डिनोट करते हैं कैपिटल आर एफ से, फॉर्म फैक्टर कैपिटल आर एच। आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज। तुम लोग पता है कैसे पढ़ाई करते हो? हमने इंटर्नशिप पे दिल्ली गए हुए थे, तो वहां पर एक हमें बंदा मिला, यादव, यादव ब्रिज किशोर यादव, ब्रिज किशोर यादव। तो उसका उसका सर वहां पर सेमेस्टर वाइज होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो हम गए, तो हमारे दोस्त का वो रूम पार्टनर था, मतलब एक ही फ्लैट में सब लोग बैठे थे, तो हमारा भी आसियाना हो जाएगा, हम भी टिक जाएंगे उनके साथ, हम भी टिक लिए। तो हमने कहा, हमने देखा कि वो सफाई बहुत रखता था, लड़के आमतौर पर सफाई रखते नहीं, बहुत कम रखते हैं, बहुत कम लड़के होते हैं जो सफाई करते हैं, विशेष ध्यान रखते कोई मतलब नहीं। तो क्या हुआ, वो सवेरे सवेरे उठता नहाता और नहा के तुरंत पूजा करने बैठ जाता, जय हनुमान ज्ञान अनुसार। अब कोई बात नहीं, हमने पूछा, हमने कहा यार ये तो बहुत पूजा उजा करता है, लेकिन पढ़ते हुए नहीं देखा। हमने अपने दोस्त से बोला, तो हमारा दोस्त बोला भैया अभी तक 16 पेपर हुए हैं इसके और ये 12 में फेल है। तो हमने कहा ये फेल क्यों हो जाता भाई, पढ़े घर पे इतनी दूर रह रहा है, बस्ती का रहने वाला इतनी दूर रह रहा है, फेल क्यों हो जाता है? तो वो कह रहा है, वो हमसे बोला देखो ये ऐसा है, अभी सेमेस्टर स्टार्ट होगा, अब ये फेल हो गया, इसका रिजल्ट आ गया, ये फेल हो गया, अब जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा तब ये कहेगा अभी पढ़ देंगे, अभी तो पेपर बहुत हुए हैं, जब नहीं अभी नहीं, पहले कहेगा क्लास स्टार्ट होने दो तब पढ़ेंगे, क्लास स्टार्ट होने दो तब पढ़ेंगे। जब कह रहा है क्लास स्टार्ट हो जाती है, क्लास से चलने लगती है, फिर कहता है अभी पढ़ लेंगे, किताबें तो आने दो। फिर किताबें आती हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में गैस पेपर आते हैं, फिर कहता है गैस पेपर आने दो तब पढ़ेंगे। जब गैस पेपर भी आ जाते हैं तो गैस पेपर भी खरीद लेता है, उसके बाद में टाइम टेबल बनाता है, बहुत भयंकर टाइम टेबल, बहुत भयंकर बनाया है, बोले अभी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत किस बात की है। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कहेगा, फिर टाइम टेबल पर वो दिन घटाता जाता है, कहता है ऐसा करेंगे हम लोग एक दिन पहले पढ़ेंगे, रात में बैठेंगे सुबह तक पढ़ेंगे, ठीक है, तब भी नहीं पढ़ पाए। कह रहा है जिस दिन अगले दिन मॉर्निंग में पेपर होता है, हम कभी इससे पढ़ गए, तो कहता है हमसे कि जब तुम साल ले गए तो आपका पढ़ेंगे, बोले हम पूरी साल नहीं पढ़े तो आप क्या पढ़ेंगे। और फिर उसी रात, मतलब सवेरे पेपर है, फिर वो शेड्यूल ये बनाता है कि आप पूरी रात नहीं पढ़े, सुबह क्या पढ़ेंगे, आप वो शेड्यूल बनाता है कि इन चार पेपरों में फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, पहले शेड्यूल बना लेता है, उसके बाद में ऐसे ऐसे पेपर निकालेंगे, फिर तैयारी करेंगे स्टार्टिंग से, अगली बार जैसे ही फेल हो जाएंगे हम, उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे पढ़ना, बहुत बढ़िया। तो वही हिसाब तुम्हारा है, सही है, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, और तुम्हारा स्टार्टिंग नहीं होना चाह रहा है।